दोस्तों बोट ने अपने एयरडोप्स सीरीज के अंतर्गत अभी पिछले हफ्ते ही भारतीय मार्केट में बोट एयरडोप्स 101 को किया है लॉन्च, जिसकी सफलता के बाद कंपनी अभी इसी एयरडोप्स सीरीज के अंतर्गत एक न्यू लेटेस्ट और पॉकेट रेंज सेगमेंट के काफी प्रीमियम लुक डिजाइन के दिखने वाले ईयरबड्स को और भारतीय मार्केट में लॉन्च करने वाली है। और यह ईयरबड्स 27 जुलाई मतलब कि अमेजोन प्राइम डे के अवसर पर परचेज करने के लिए उपलब्ध होने वाले हैं। और जो फीचर्स के साथ कंपनी ने इनको लॉन्च किया है, यह म्यूजिकल बड्स के लिए काफी सस्ते और ब्रांडेड TWS ईयरबड्स होने वाले हैं। इनका नाम कंपनी ने बोट एयरडोप्स 391 रखा है। प्लास्टिक मटेरियल से बने हुए हैं, डुअल टोन कलर फिनिशिंग इनके अंदर देखने को मिल जाती है और ये देखने में वाकई में एक प्रीमियम लुक डिजाइन के दिखते हैं। इसके अलावा ये काफी कंफर्टेबल डिजाइन के साथ आते हैं। इसके अलावा ये काफी छोटे भी हैं, जिससे कि आप इनको ट्रैवल के टाइम आराम से कैरी कर पाएंगे। और कंपनी इनको भारतीय मार्केट में ब्लैक, ब्लू और लीम कलर के साथ उपलब्ध करवाने वाली है। तो इस वीडियो में हम इसी बोट एयरडोप्स 391 के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा इनके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लें। तो दोस्तों स्टार्ट करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन एयरडोप्स 391 के सबसे पहले कनेक्टिव फीचर्स के बारे में, तो इनके अंदर कंपनी आप लोगों को ब्लूटूथ 5.0 दे रही है, जो आपके एंड्रॉइड, iOS और विंडो गैजेट्स के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा इनके अंदर कंपनी आप लोगों को IWP कनेक्टिविटी फीचर उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा इनके अंदर आप लोगों को मोनोपोड का फीचर मिल जाएगा। सबको मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग और स्मूथ कनेक्टिविटी इनके अंदर देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें इनके साउंड क्वालिटी के बारे में, तो इनके अंदर कंपनी आप लोगों को 6mm का डायनेमिक ड्राइवर उपलब्ध करवाने वाली है, जिसके साथ डीप बेस का फीचर मिल जाएगा। इसके अलावा इनके अंदर आप लोगों को क्वालकॉम APTX की टेक्नोलॉजी कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है, जिससे म्यूजिक के दौरान लैग वैग की प्रॉब्लम इनके अंदर नहीं आने वाली है। सबको मिलाकर इनके अंदर आप लोगों को एक क्लियर बैलेंस्ड रियल टाइम सिग्नेचर साउंड क्वालिटी सुनने को मिलने वाली है, जो मेरे हिसाब से म्यूजिकल लवर्स के लिए काफी बेहतरीन साउंड क्वालिटी होती है। पर स्पेशली तौर पर लो लेटेंसी या गेमिंग मोड जैसा फीचर कंपनी इसके अंदर नहीं उपलब्ध करवा रही है, जो थोड़ा निराशाजनक है खासकर गेमिंग यूजर्स के लिए। अगर बात करते हैं इनके और फीचर्स के बारे में, तो इनके बैक साइड पर कंपनी आप लोगों को एक टच कंट्रोल पैनल उपलब्ध करवा रही है, जिससे आप कॉल को कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर पाएंगे, म्यूजिक को कंट्रोल कर पाएंगे, इसके अलावा उसके वॉल्यूम को एडजस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा इनके अंदर कंपनी आप लोगों को गूगल और सीरी जैसे वॉइस असिस्टेंट को सीधा कमांड देने की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। लेकिन दोस्तों कॉलिंग के लिए इनके अंदर कंपनी आप लोगों को एक स्पेशल फीचर उपलब्ध करवा रही है। इनके अंदर कंपनी आप लोगों को इनबिल्ट माइक्रोफोन उपलब्ध करवा रही है, जो हाई सेंसिटिव फीचर से लैस है, जिसके साथ आप लोगों को नॉइस कैंसिलेशन का फीचर मिल रहा है, वो भी क्वालकॉम CVC का, जिससे कि आप लोगों को कॉलिंग के दौरान लाइक की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में आप लोग इनका उपयोग बड़ी आसानी से कर पाएंगे और आप लोगों को काफी अच्छी बेहतरीन साउंड क्वालिटी कॉलिंग के दौरान सुनने को मिलने वाली है। अगर बात करते हैं इनके और फीचर्स के बारे में, तो ये वाटर रेजिस्टेंट फीचर से सिलेक्शन को मिली है रेटिंग IPX4 की, जिनको धूल मिट्टी और आपके पसीने से होने वाले नुकसान से काफी हद तक सुरक्षित रखने वाला। अगर बात करें इनके बैटरी बैकअप के बारे में, तो इन ईयरबड्स के अंदर कितने एमएएच की बैटरी मिल रही है, यह ऑफिशियल कंपनी ने नहीं किया है। लेकिन कंपनी का कहना है कि अगर आप लोग इन ईयरबड्स को एक बार फुल चार्ज करेंगे, तो 4.5 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इनके चार्जिंग केस पर आप लोगों को 18 हर्ट्ज का बैटरी बैकअप कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है। टोटल इनके अंदर आप लोगों को 23 हर्ट्ज का बैटरी बैकअप कंपनी दे रही है, जो प्राइस सेगमेंट के साथ ठीक ठाक बैटरी बैकअप है। इसके अलावा इनके अंदर आप लोगों को फास्ट चार्जिंग की सुविधा कंपनी दे रही है। अगर आप लोग इनको 5 मिनट के लिए चार्ज में लगाते हैं, तो आप लोगों को 1.5 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से काफी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा चार्जिंग के लिए माइक्रोएसबी टाइप सी कंपनी दे रही है, और मेरे हिसाब से दोस्तों इनका जो बैटरी बैकअप है वो ठीक ठाक रहने वाला। अगर बात करते हैं इनके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, जैसा मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि 27 जुलाई को अमेजोन प्राइम डे के अवसर पर भारतीय मार्केट में परचेस करने के लिए उपलब्ध होने वाले हैं। अगर बात करते हैं इनकी कीमत के बारे में, तो इनकी कीमत भारतीय मार्केट में मात्र 1499 रुपए रहने वाली है, जो लॉन्चिंग कीमत है। इसकी ऑफिशियल कीमत कुछ और है, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इनकी कीमत लॉन्चिंग टाइम तक ज्यादा और कम भी हो सकती है, क्योंकि बोट के जो एयरडोप्स सीरीज के ईयरबड्स लॉन्च होते हैं, अधिकतर उनके साथ कीमत को लेकर ऐसा हेरफेर होता रहता है। फिर भी दोस्तों जो अभी इनकी कीमत है, वाकई में ये काफी बेहतरीन सस्ते और एक ब्रांडेड TWS ईयरबड्स होने वाले हैं, खासकर म्यूजिक लवर्स के लिए, क्योंकि इनके अंदर आप लोगों को म्यूजिक के लिए भी क्वालकॉम APTX की टेक्नोलॉजी दे रही है। इसके अलावा कॉलिंग के लिए भी क्वालकॉम CVC जैसी टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट के साथ काफी बेहतरीन फीचर है। और इनकी जो डिजाइन है वाकई में काफी प्रीमियम मुझे लगी। आप लोगों को कैसी लगी कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिर भी आप लोगों के दिल में कुछ भी विचार हो इन बोट एयरडोप्स 391 के फीचर्स को लेकर, इनके कीमत को लेकर कुछ भी तड़कते भड़कते सवाल हो, तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।